आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति। ऊपरी असम में डिब्रूगढ़ के प्रतिभाशाली क्रिकेटर मुख्तार हुसैन भी आईपीएल नीलामी में शामिल होंगे। डिब्रूगढ़ में खुशियों का लहर है। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ के 23 वर्षीय प्रतिभावान क्रिकेटर मुख्तार हुसैन को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के आगामी सत्र के नीलामी के लिए 10 टीमों के द्वारा चुना गया है। मुख्तार की सफलता से डिब्रूगढ़ के खेल प्रेमी जगत में खुशियों का सैलाब उमड़ गई है। मुख्तार हुसैन डिब्रूगढ़ शहर के शांति पाड़ा रेलवे गेट के सामने अपनी नानी के घर में रहते हैं। केवल 11 साल की उम्र में अपनी मां को खोने के बाद मुख्तार ने अपने दो भाइयों के साथ अपनी नानी के घर में जीवन यापन किया। मुख्तार की मां का नाम स्वर्गीय रेशमा बेगम था। अपनी मां को खोने के बाद अपने भाइयों के साथ मुख्तार अपनी नानी के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। मुख्तार को क्रिकेट में बहुत रुचि थी। मुख्तार ने डिब्रूगढ़ जिले के क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़कर अपनी खेल की प्रतिभा को निखारा और आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि अर्जित की है। राष्ट्रीय स्तर के खेल में मुख्तार का नाम आने के बाद उनकी नानी के घर में काफी ज्यादा उत्साह का माहौल है। मुख्तार हुसैन की नानी ने उसकी सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए और आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए कहा कि उनके नाती ने उनका नाम रोशन कर दिया। और तलब है कि आईपीएल के 2023 सीजन के लिए कुल 999 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें से डिब्रूगढ़ के मुख्तार हुसैन का नाम चुना गया है। गोल बॉलर रहे मुख्तार ने विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया है। मुख्तार हुसैन ने 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी खेली थी। मुख्तार का नाम फिलहाल 20 लाख के बेस प्राइस पर आईपीएल की ऑक्शन लिस्ट में है। 405 खिलाड़ियों में से 272 भारतीय हैं और 132 विदेशी क्रिकेटर हैं, जिनमें से 4 खिलाड़ी सहयोगी देश से हैं। कुल कैप्ड खिलाड़ियों की सूची 119 है, जबकि अनकैप्ड खिलाड़ियों की संख्या 282 है और 4 सहयोगी देश से हैं। फिलहाल ही खबरें बस इतना ही। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।